और आपको अब मैं जो बताने जा रहा हूं वो कानून के किस दायरे में जांच है या कॉमेडी है, ये मीडिया के लोग और इस देश के लोग खुद तय करें। 2016 में वब बोर्ड का एक मामला बनाया जाता है और उस मामले के आधार पे सीबीआई पर्चा दर्ज करती है, पहला पर्चा 2016 में। इंसानियत को कुचल कर गिरफ्तार किया गया। अमानतुल्ला की सासू मां का कैंसर का ऑपरेशन हुआ है 3-4 दिन पहले, वो गंभीर हालत में अस्पताल से यहां। सीबीआई कहती है उनके खिलाफ रिश्वतखोरी का, भ्रष्टाचार का, आर्थिक अपराध का कोई मामला नहीं मिलता। 2020 में इसी मामले में एंटी करप्शन ब्रांच एसीबी वो मुकदमा लिखती है, इसी मामले में ईडी कूद पड़ती है, ईडी मुकदमा लिखती है। 2022 में एसीबी अमानतुल्ला खान को गिरफ्तार करती है, अमानतुल्ला खान को उसी मामले में जमानत। आम आदमी पार्टी के ओखला से विधायक अमानतुल्ला खान को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। सुबह उनके आवास पर करीब 6 घंटे तक छापेमारी के बाद विधायक को ईडी की टीम अपने साथ ले गई। कथित वक्फ बोर्ड घोटाले से जुड़े मामले में ईडी ने यह एक्शन लिया है। आपको बता दें कि सुबह छापेमारी के बाद अमानतुल्ला खान के घर पर काफी ज्यादा हंगामा खड़ा हो गया। विधायक ईडी की टीम को अपने घर में घुसने से रोकने की कोशिश करते रहे। उन्होंने अपनी सास के बीमार होने का हवाला भी दिया, लेकिन ईडी नहीं मानी और लगातार कार्रवाई जारी रही। इस पर आम आदमी पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी और ईडी और सीबीआई को घेर रही है। संजय सिंह क्या कुछ कहते हैं सुनिए जरा। अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया 17 महीने, मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया, मुझे 6 महीने जेल में रखा, सत्येन जैन को जेल में रखा है। और जब ठीक चुनाव करीब आ गया तो अमानतुल्ला को आज पकड़ के जेल में डाल दिया, क्योंकि अब जमानत हो रही है एक के बाद एक। और अब अरविंद केजरीवाल जी को भी जमानत मिलने वाली है, वो भी बाहर आने वाले हैं, तो कोई ना कोई खबर चाहिए, तो अमानतुल्ला को गिरफ्तार कर दिया। निराधार बेबुनियाद कोई मामला नहीं है अमानतुल्ला के खिलाफ। कैसे गिरफ्तार किया गया? एक इंसानियत होती है, इंसानियत को कुचल कर गिरफ्तार किया गया। अमानतुल्ला की सासू मां का कैंसर का ऑपरेशन हुआ है 3-4 दिन पहले, वो गंभीर हालत में अस्पताल से यहां लाई गई और घर पे है। एक वृद्ध महिला जो जिंदगी और मौत से जूझ रही है, घर वाले बता रहे हैं कि भाई उनकी हालत ठीक नहीं है, हमने आपसे लिख के समय मांगा है। ऐसा भी नहीं कि ईडी को नहीं पता था, अमानतुल्ला की मदर इन लॉ के बारे में ईडी को नहीं पता था, यह भी नहीं है। लिख के सूचना दी गई कि हमें कुछ समय दे दीजिए, हमारी मदर इन लॉ की तबीयत खराब है, उनको कैंसर हुआ है, कुछ वक्त दे दीजिए, हम इन्वेस्टिगेशन जांच करेंगे। और आपको अब मैं जो बताने जा रहा हूं वो कानून के किस दायरे में जांच है या कॉमेडी है, ये मीडिया के लोग और इस देश के लोग खुद तय करें। 2016 में वब बोर्ड का एक मामला बनाया जाता है और उस मामले के आधार पे सीबीआई पर्चा दर्ज करती है, पहला पर्चा 2016 में। 6 साल तक सीबीआई जांच करती है उस मामले की, 6 साल के बाद फाइनल चार्जशीट दाखिल करती है, अमानतुल्ला को गिरफ्तार नहीं करती है और सीबीआई कहती है उनके खिलाफ रिश्वतखोरी का, भ्रष्टाचार का, आर्थिक अपराध का कोई मामला नहीं मिलता। 2020 में इसी मामले में एंटी करप्शन ब्रांच एसीबी वो मुकदमा लिखती है, इसी मामले में ईडी कूद पड़ती है, ईडी मुकदमा लिखती है। 2022 में एसीबी अमानतुल्ला खान को गिरफ्तार करती है, अमानतुल्ला खान को उसी मामले में जमानत मिल जाती है। कोर्ट कहती है, कोर्ट की टिप्पणी है जब एसीबी से जमानत मिली, कि अमानतुल्ला खान के खिलाफ कोई भी भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध, रिश्वतखोरी का मामला नहीं है। उसके बावजूद 2023 में
अमानतुल्ला खान के घर पे ईडी का छापा होता है, ईडी की छापेमारी चलती है। फिर 2024 में ईडी बुलाती है, 13 घंटे तक पूछताछ करती है। किस मामले में पूछताछ कर रहे हो? जिस मामले में जमानत मिल चुकी है, जिस मामले में सीबीआई की फाइनल चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। ये ड्रामा नहीं है, कॉमेडी नहीं है, तो क्या है? और आज सुबह सिर्फ गिरफ्तार करने के उद्देश्य से, जेल में ठूसने के उद्देश्य से, जेल में डालने के उद्देश्य से अमानतुल्ला खान को गिरफ्तार कर लिया। मैं भाजपाइयों को कहना चाहता हूं, तुम पूरे देश के सामने एक्सपोज हो चुके हो, और तुम्हारे नेता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तानाशाह के रूप में स्थापित हो चुके हैं। बड़े बड़ों की तानाशाही नहीं चली, तुम्हारी भी नहीं चलेगी। तुम भी एक दिन सत्ता से हटोगे, जाओगे, और इन बातों का जवाब देना पड़ेगा तुम। आप सिर्फ गिरफ्तारी पे गिरफ्तारी किए जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से ईडी को लताड़ लग रही है, सीबीआई को लताड़ लग रही है, जांच एजेंसियों को लताड़ लग रही है, बावजूद इसके आप सुधरने का नाम नहीं ले रहे। आप आके अरेस्ट करके लेके चले जा रहे हैं, किसी को भी पकड़ो, कालर पकड़ के गिरफ्तार करो, जेल में डालो। ये कौन सा न्याय है? ये कौन सी कार्रवाई है? ये कौन सी व्यवस्था है? तो इसलिए पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी अमानतुल्ला खान के साथ खड़ी है, उनके परिवार के साथ खड़ी है, उनकी जो वृद्ध सासू माँ है उनके साथ हम लोगों की सिंपैथी है, सहानुभूति है। लेकिन निर्दयता और तानाशाही की सारी पराकाष्ठा मोदी और ईडी ने पार कर दिया है, ये आज पूरे देश ने और दिल्ली ने देखा। और जिस चुनाव के नाते ये सब कर रहे हैं भाजपाई, उनको मैं बता देना चाहता हूँ, ये कार्रवाई तुमको बहुत महंगी पड़ेगी, बुरी तरीके से चुनाव में हारोगे, यही मैं कहना चाहता हूँ। न्याय मिलेगा अमानतुल्ला को भी, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कोई मामला नहीं। विजय नायर को आज जमानत मिली है, इसका क्या कहना है? इसमें अभी सबको जमानत मिलेगी। विजय नायर को जमानत मिली है, अरविंद केजरीवाल को भी जमानत मिलेगी बहुत जल्दी। इसीलिए तो नया नया मामला ये लोग तैयार करते हैं, खबर कैसे चलाएंगे आम आदमी पार्टी के खिलाफ? सबको जमानत मिलती जा रही है, कोई सबूत है नहीं, तो बस एक मजाक बना लिया अपनी जांच एजेंसी के नाम पे। आते हैं, किसी का भी कालर पकड़ते हैं, चलो जेल चलो, चलो जेल चलो। सर राजस्थान और गिरफ्तारी का जो आधार दिया उसको पढ़ के आपको शर्म आएगी। सर राजस्थान कह रहे हैं हमारे ऊपर चिल्लाया गया, उल्टा उनके परिवार पे चिल्लाया गया। यहाँ का SHO कह रहा था कि आरी से तुम्हारा घर काट देंगे, कह रहा घर काट देंगे तुम्हारा, दरवाजा खोलो। तुम डकैती कर रहे हो यहाँ पे, डकैत तो तुम लोग यहाँ डकैत, अभी वीडियो दे देना सबको, चला यहाँ डकैती करने आए हो खाकी वर्दी पहन के। तो इसलिए उसकी जो कार्रवाई करनी है वो तो सब हम लोग कोर्ट में रखेंगे, और इस सारे मामले को आम आदमी पार्टी अपने स्तर पे उठाएगा। बुलडोजर जस्टिस को लेकर एक सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई कि आरोपी होने भर से आप इसमें बैठने जा रहे हैं। नहीं, बुलडोजर जस्टिस कोई जस्टिस सही नहीं है, और मैं तो बार बार कहता हूँ बुलडोजर बहुत बेवफा है। छतरपुर में भी चलता है, अयोध्या में भी चलता है, काशी में भी चलता है, तो सावधान हो जाओ इस देश के लोगों। एक दूसरे पे बुलडोजर चलने पे जो लोग खुशी मनाते हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ ये बुलडोजर बहुत बेवफा है, कब तुम्हारी घर की तरफ मुड़ जाएगा पता नहीं। इसलिए सब लोग मिल के इसका विरोध कीजिए, इस देश में हिंदू मुसलमान सब। सुबह करीब 7 बजे ईडी की टीम एक विधायक के ओखला स्थित आवास पर सर्च वारंट के साथ पहुंची थी। विधायक ने काफी देर तक गेट नहीं खोला और जंगले से अफसरों के साथ बहस करते रहे। मौके पर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान भी मौजूद रहे थे। बाद में किसी तरह विधायक माने और अफसरों को अंदर आने दिया गया। 7 अफसरों की टीम घर के अंदर काफी देर तक जांच करती रही। दोपहर करीब 12:30 बजे ईडी की टीम विधायक को अपनी गाड़ी में बिठाकर ले गई। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट इन पॉलिटिकल बाइट के।